बिहार के मधुबनी को मधुबनी पेंटिंग के अलावा एक और नई पहचान मिली है। जी हाँ, मधुबनी के मखाने को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है और वो है GI टैग। जी हाँ, मधुबनी के मखाने को GI टैग मिल गया है। तो क्या है GI टैग, ये हम आसान भाषा में आगे वीडियो में समझेंगे। इससे पहले आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ऑन कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए GI टैग के बारे में हम बात कर लेते हैं। GI टैग जो होता है ये भारत सरकार जारी करती है और इसकी जो मानक वगैरह जो तय होते हैं वो WTO तय करता है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि किसी प्रोडक्ट को अगर GI टैग मिल जाता है तो उस प्रोडक्ट पर उस क्षेत्र का जहाँ के लिए GI टैग मिला है उसका एक तरह से एक अधिकार बन जाता है। यानी कि मधुबनी के मखाने को अब कोई कंपनी या कोई देश अपना बता के नहीं बेच सकती। उन्हें कहना पड़ेगा कि यह जो प्रोडक्ट है मधुबनी की है, अगर मधुबनी की क्वालिटी को इंक्लूड करना चाहते हैं। इसको GI टैग को पाने के लिए ऐसा नहीं था कि केवल मधुबनी ने ही प्रयास किया था, अन्य राज्यों ने के भी जो क्षेत्र थे उन्होंने भी इसके लिए एप्लीकेशन किया था, लेकिन मधुबनी का जो दावा था वो सबसे सुदृढ़ था। इस मधुबनी के जो मखाने का जिक्र है इसका जिक्र 200 साल पहले से है, जबकि दरभंगा महाराज हुआ करते थे उनके समय से ही दरभंगा और मधुबनी के कई सारे हिस्सों में मखाने की खेती होते आ रही है, जिसका जिक्र डॉक्टर PC राय का बुक बिहार गजेटियर में भी की गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मधुबनी के मखाने को ही GI टैग मिला है, इससे पहले और भी कई सारे उत्पाद हैं जिनको GI टैग मिल चुका है, जैसे पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला, बिहार का ही सलाब खाजा और आपका उड़ीसा के हल्दी को भी GI टैग मिल चुका है। खासियत भी जान जाइए, मखाने की खासियत जानने से पहले आपको बता दूँ कि इसकी जो खासियत है वो अंडे और दूध से भी ज़्यादा फायदेमंद है। जी हाँ, इसके अंदर सिर्फ 100 ग्राम मखाने के अंदर आपको 10% के आसपास प्रोटीन और 75% के आसपास आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर वसा और आयरन वगैरह भी होता है, जो कि आपको 100 ग्राम अंडे और दूध में मिल रही मात्रा से कहीं ज़्यादा होता है। तो मखाने की गुण भी आपने जान लिया और आपने साथ ही समझ लिया कि GI टैग क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा।